पंजाब कला साहित्य एकेडमी जालंधर की ओर से स्थानीय लॉयंस भवन में 18वां वार्षिक एकेडमी अवार्ड वितरण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। एकेडमी के संरक्षक सिमर सिदोष द्वारा साहित्यकारों, पत्रकारों एवं समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़े लोगों को उनके क्षेत्र में बेहतर सेवाएं देने हेतु राष्ट्रीय कला सर्वोच्च प्रतिष्ठाजनक इत्यादि अवार्ड देकर पुरस्कृत किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट कर्नल मनमोहन सिंह, आयकर कमिश्नर संजय मिश्र, प्रिंसिपल रेखा कालिया भारद्वाज, वीरभद्र कार्की ढोली, दीपक जलंधरी, प्रेमलता ठाकुर, डॉक्टर रमेश कंबोज, डॉक्टर प्रताप सिंह सोडी, डॉक्टर मीनाक्षी सयाल, पूजा सुक्रांत, लीना शर्मा, सोनिका भाटिया, डॉक्टर बुलाकार, पत्रकार रविंदर शर्मा, संजय टोनी सहित नगर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और अधूरा ही माना जाएगा, विश्व में अग्रणी बने रहना है तो ये आवश्यक है कि दूसरी भाषाओं की तरह हिंदी में भी विज्ञान के विषयों पर लेखन कार्य किया जाए। उसमें देख रहा हूँ बड़े मन से कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनको याद रखना होगा जो कार्य वो कर रहे हैं प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं, वो प्रभु की मर्जी है, वो खुदा की मर्जी है, वो विल ऑफ गॉड है। हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पाँव बख्शे हैं तो तौफीक के सफर भी देना। गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, गुफ्तगू तूने सिखाई कि मैं गूंगा था, अब मैं बोलूंगी तो बातों का असर भी देना। मेरे ख्वाबों के असूलों को तराजू दे दे मेरे जज्बात। स्पिरिचुअलिज्म गाहे बगाहे या अपनी बातों में अपनी पत्नी की बात हाथों से ना लूं, मैं समंदर में किसी गैर के हाथों से ना लूं, एक कतरा भी समंदर है गर तू उसे दे दे। इट इज फॉर ऑल ऑफ अस पे लिया है कि समाज में फैली बुराइयों को कम करना है, खत्म करना है, और कलम जब भी चलानी है तो देश के निर्माण में चलानी है और सामाजिक बुराइयों को खत्म करने के लिए चलानी है। इस पेशे में मैं जब भी आया हूँ तो जब भी मेरी कलम कहीं रुकने का प्रयास करती है तो आदरणीय मेरे पिता समान सिमर सिदोष जी ने मेरी पूरी मदद की है उसमें। पंजाब कला साहित्य अकादमी उत्तर भारत की, या यूं कहें पूरे राष्ट्र की, एक ऐसी साहित्यिक और सामाजिक संस्था है जिसके सरोकार साहित्य, पत्रकारिता, कलात्मक गतिविधियों और सामाजिक सेवा से जुड़े हुए हैं। ये संस्था स्थापित हुई थी 1999 में और इसकी शाखाएं पूरे राष्ट्र में और देश विदेश में भी स्थापित हैं। पंकज अकादमी अर्थात पंजाब कला साहित्य अकादमी का ये 18वां निरंतर वार्षिक समारोह है। इससे पहले ये संस्था कभी कभार 2 या 3 या 4 वर्ष के बाद समारोह करती थी, लेकिन जब से ये संस्था पंजीकृत हुई है 1995 के बाद से, 1995 के बाद से, तब से निरंतर इसके समारोह आयोजित हो रहे हैं।